देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखो, लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 0.47 का बार। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो फिलहाल 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 7 है वो कॉन्टिन्यूअसली रिपीट हो रहा है अप टू इनफाइनाइट तक। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको, इसको लेट कर लेंगे क्या एक्स इक्वल्स टू इतना। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और फिर क्या करना है, इसमें टेन की मल्टीप्लाई करो। तो जब आप एक्स में टेन की मल्टीप्लाई करोगे तो टेन एक्स हो जाएगा, और जब इक्वल के साइड भी टेन की मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, यानी कि 4.7777 कुछ इस तरीके से कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, है ना। इसके बाद क्या करो, आप 100 की भी कर लो, क्यों करना है ये देखेंगे अभी, है ना। तो क्या हो जाएगा, 47.7777 अप टू इनफाइनाइट लेंथ। चलो, मैं इसको बोल रहा हूं इक्वेशन 1 और इसको कह रहा हूं इक्वेशन 2। अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 कहाँ है, ये रही, इसमें से माइनस क्या करना है इक्वेशन 1। तो बड़ी वाली इक्वेशन को हमने ऊपर लिख दिया, जो कि कितनी है 47.7777 अप टू इनफाइनाइट, है ना। और इसी तरीके से ये क्या है, टेन एक्स इक्वल टू 4.7777, और इसी तरीके से कंटिन्यू है, और इन दोनों को क्या करना है हमें माइनस। तो 7 में से 7 जाएगा 0000, डेसिमल का डेसिमल, और 7 में से 4 गया, क्या बचा 3। तो ये कितना हो गया 43, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा 90x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 43/90। और लोएस्ट टर्म में आप इसको रिड्यूस करना तो देखोगे 43 एक प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में आता नहीं है, इसलिए ये लोएस्ट टर्म में रिड्यूस भी नहीं होगा। तो ये है हमारा आंसर। बताओ भैया आयुष, समझ में आया नहीं आया। चलो 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 चलो, अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं सॉल्व। 0.001, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से थर्ड वाला भी होगा, है ना। देखिए, इसका थर्ड पार्ट क्या है, 3 का थर्ड पार्ट, वो है 0.001 और बार लगा हुआ है इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम, लेट एक्स इक्वल टू 0.001 001 और इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहां पर कितनी डिजिट पर बार है, 3 पर, है ना। अरे 3 डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू, इधर 3 0 से किया है तो इधर भी करेंगे, तो ये राइट में 3 डिजिट डेसिमल यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां, यानी कि 1.001
और डेसिमल के बाद मैंने सिक्स डिजिट लिखी है, तो लगभग मैं सिक्स यहां पर भी उतार दे रहा हूं, कुछ इस तरीके से। इसको हम इक्वेशन वन बोल रहे हैं और इसको इक्वेशन टू। तो बिल्कुल सेम आपको वही करना है जो पहले करना था। आप क्या करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू कहां है, ये 1000 एक्स 1.001001 और इसमें से माइनस क्या करना है, ये एक्स जो कि कितना है 0.001001। इस तरीके से माइनस करोगे 1000 में से 1x, तो कितना बचेगा 999x इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1/999। यही हमारा क्या है आंसर। सब कुछ यहीं पर ले लेगा क्या? क्यों सुमित, आज देव मिसिंग है भाई, लगता है बारिश में भीग गया। चलो मैं रफ कर रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, लिखा है एक्सप्रेस 0.5/9 और फिर डॉट डॉट, मतलब ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो आइए पहले इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर देते हैं। तो देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि 0.99999 और ये कंटिन्यू है, यानी कि आप इसको ये भी लिख सकते हो क्या 0.9 का बार, है ना। अब तो ये सेम हो गया जैसे पहले था वैसे ही कर देंगे इसको। तो करो कैसे, आप कहोगे लेट x इक्वल्स टू 0.99, है ना। तो हम देख रहे हैं एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो 9.9999 इस तरीके से। इसको बोलेंगे इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन टू, और फिर सेम जैसा हमने हर क्वेश्चन में किया, इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। तो कर दो सब्ट्रैक्ट, 10x इक्वल्स टू 9.99 और x इक्वल्स टू 0.99। माइनस करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, और ये कितना बचेगा 9, और 10x में से एक x गया तो क्या बचा 9x। तो x की वैल्यू क्या हो गई 9/9, कट किया 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अरे x को 0.99 लेकर चले थे और सॉल्व होके x 1 आ गया, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो x को लेट क्या किया था कि x है 0.9999 और लास्ट में x क्या आ गया है 1। तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। भाई मैं तो सरप्राइज हूं, ऐसा कैसे, एक लेट कुछ और किया और आ कुछ और गया। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ भाई ऐसा क्यों हो रहा है? एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ का मैं बताता हूं। शुद्ध गोल्ड जो होता है, प्योर गोल्ड, उस पर मैंने लिखा है 99.99 कैरेट गोल्ड, मतलब प्योर कैरेट गोल्ड, ऐसे गोल्ड, इतना गोल्ड 99.99,
100% लिखा नहीं देखा मैंने। हाँ बेटा 0.9999 अप्रोक्सीमेट वैल्यू वन ही है। क्यों है देखो, बचपन में आपने राउंड फिगर करना सीखा था। चलो हम 0.99 को ना राउंड फिगर कर देते हैं। चलो मैं इनफाइनाइट में से यहां से इसको राउंड फिगर कर रहा हूं, ठीक है। तो आप जानते हो इसके बाद भी एक नाइन है जो कि फाइव से बड़ा है, तो फाइव से बड़ा है इसको आप राउंड फिगर में करोगे तो इसमें प्लस वन करना पड़ेगा, तो ये टेन हो जाएगा जीरो, फिर ये कैरी जाके फिर ऐसे ऐसे करते हुए यहां पर वन आ जाएगा। तो राउंड फिगर में भी ये वन आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, किस किस को समझ में आया? हाँ बेटा, कोई भी चीज जो होती है ना अप्रोक्सीमेट में चलती है। जैसे मान लो हमने एक बच्चे का मेजरमेंट किया वेट का, और उसने कहा मुझसे कि सर मेरा वेट जो है ना 35 kg है, हल्का बच्चा है, उसने कहा 35 kg है, और आपने बिल्कुल मान भी लिया और कहा हाँ इतना ही होगा, लेकिन एक्चुअली में जब आप मेजरमेंट करेंगे ना डेसिमल के कुछ डिजिट तक, तो आंसर कुछ ऐसे होगा 35.105 हो सकता हो, ये हो कि इतने केजी इतने ग्राम होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ ग्राम होगा जरूर। इसी तरीके से ग्राम में भी डेसिमल के बाद कुछ और भी होगा, हो सकता हो मिलीग्राम में हो कि इतने ग्राम इतने मिलीग्राम। तो भाई हम जो है लगभग अप्रोक्सीमेट पे ही चलते हैं। आ गया समझ अंशिका को? अंशिका तुम्हारे उसमें सृष्टि एक साथ ऐड कर लिया, इतना तुम्हें लगाओ। मैं भी कंफ्यूज हूं कि सृष्टि है कि अंशिका है। चलो इसको रफ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है क्या, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटेशन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखो ये कह रहा है What can the maximum number of digits be in the repeating block of the digit in the decimal expansion of 1/17? कह रहा है 1/17 को जब आप decimal expansion में लिखोगे, 1/17 को decimal expansion में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 17 से divide करना पड़ेगा आपको 1 को, और ये divide चलेगा, continue चलता चला जाएगा। तो ये कह रहा है कितनी digit के बाद digit repeat करेंगी? तो जितने भी रेशनल नंबर थे बेटा, या तो उनकी डिजिट एंड हो जाएंगी, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा, है ना। तो इसमें बताना है कि कितने डिजिट्स के बाद मैक्सिमम कितनी होंगी, कम कितनी भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम कितने डिजिट के बाद ही रिपीट करेगा। तो आप याद करो, आपको एक क्वेश्चन मैंने कराया था, क्या क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास एक्सरसाइज हो तो देखो, उसमें था 1/7, तो आपने 2/7 भी निकाला था, फिर 3/7 भी निकाला था, है ना, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो उसका आंसर देखो क्या था, 1/7 का क्या था, 1/7 का आंसर था, मैं बुक में से देख रहा हूं कितना था, 0.142857 और फिर बार। तो देखो जरा इसका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में क्या है 7, और यहां डिजिट्स देख काउंट करोगे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट रिपीट कर रही हैं। तो मैक्सिमम जो है ना वो जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसमें से एक का आंसर होता है मैक्सिमम, कम कितने भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम इतनी ही हो सकती है। तो यहां पर जो 17 लिखा है तो उसमें से 1 माइनस करो यानी कि 16, तो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो ब्लॉक होगा जो रिपीट करेगा वो 16 का होगा। तो ये कह रहा है क्या, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो आंसर डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसे नहीं बताना है आपको, आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में फिर आपको
उसमें लिखना है, ठीक है। तो आओ, आंसर वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया 16 है, लेकिन इसको आपको डिवाइड करना है। तो आओ डिवाइड करें, बोर्ड कर लेते हैं थोड़ा खाली, क्योंकि 16 बार हमें डिवाइड करना पड़ेगा, वो स्पेस चाहिए उसके लिए काफी ज्यादा। चलो, तो सबसे पहले 17 और उसको डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है किससे, 17 से। देखिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं 1, बड़ा कौन है ये, तो टेबल कहां से पढ़ें, क्योंकि आप तो जानते हो मिनिमम 17 वनजा ही 17 होता है, तो ऐसा 17 का टेबल पढ़ना है कि इससे ज्यादा ना हो, ये तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसको कहते हैं डिवाइड ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने की कंडीशन में आप डेसिमल लगाएंगे पहले और क्या बढ़ा देंगे, 0। अब चेक करके देखो क्या 17 की टेबल में 10 आता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 17 वनजा ही 17 है, तो 10 कहां से आएगा, तो डिवाइड फिर से ब्रेक हो गया, 0 बढ़ाएंगे और यहां पर भी, अब कितना हो गया 100। अब आप टेबल पढ़ो, ऐसा टेबल पढ़ो 17 का कि 100 से ज्यादा ना हो, तो 17 फाइव जा 85, माइनस करेंगे 10 में से 5 गया 5, 15 बचा, 15 है हमारा रिमाइंडर। आगे कंटिन्यू रखेंगे प्रोसेस को और देखेंगे क्या 17 की टेबल में 15 आता है, 17 की टेबल में 15 आता है, नहीं आएगा, क्योंकि 17 वन से तो 17 है, तो डिवाइड फिर से ब्रेक है, तो आप क्योंकि डेसिमल लग चुका है तो अपनी इच्छा से 0 बढ़ाएंगे अब, और अब टेबल पढ़ेंगे 17 का, ऐसा टेबल पढ़ो कि 150 से ज्यादा ना हो, बताओ भाई कितने बार जाता है, तो ये कितने बार जाएगा, लगभग 8 बार, कितना होता है 17 8 जा, बेटा टेबल नहीं होगा तो कैसे करोगे, हाँ माइनस करो 10 में से 6 क्या क्या बचा 4, और 4 में से 3 गया 1, अब बचा 14, 0 बढ़ाओ, फिर क्या लिखोगे 8 टाइम्स 136, रिमाइंडर 4, आ रही है बात समझ में, तुम इतने शांत कैसे पढ़े हो सब, तुमने किसी ने डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिख के दिया, लिख कर दो जल्दी से, आयुष मुझे मालूम है तू कॉपी में नहीं कर रहा होगा, करके देख जल्दी से, तो इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे फिर 0 बढ़ाओगे, तो 17 का टेबल ऐसे पढ़ोगे 40 से ज्यादा ना हो, तो 2 जा 34, रिमाइंडर कितना बचेगा 6, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं अब 6, ठीक है, 0 बढ़ाएंगे कितने बार जाएगा, लगभग 3 बार, 51, फिर माइनस करेंगे 9, 0 आ जाएगा। तो आप ये जो आंसर है ना, आप एनसीईआरटी खोलो और नीचे लास्ट में आंसर शीट में देखो आंसर क्या है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा डिवाइड का, तो आप अब डिवाइड कर सकते हो, मैंने बता दिया जहां आपको प्रॉब्लम होती, इसका आंसर दे रहा है देखो क्या, 58823 और फिर 52 9411 7647 और फिर से दोबारा से
यही आ जाएगा 058823, यानी कि ये जो डिजिट है ना, ये कहां से कहां तक, यहां तक सेम रहेगा और इसके बाद यही आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। आपको पूरा डिवाइड करके दिखाना है। तो अब ये पूछ रहा था कि कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन होगा, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप क्या लिखोगे आंसर बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लिखोगे क्वेश्चन में से ही, वो पूछ रहा था व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग, तो लिखोगे कि 16 डिजिट्स, लिखोगे मैक्सिमम 16 डिजिट्स विल बी रिपीटिंग इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी कि आप चाहे ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो 0.58823529411764747 और इसके ऊपर क्या चीज, सॉरी यहां पर डेसिमल है ना, तो इसके ऊपर बार लगाना है, यही आंसर है।